तो मैं फाइनली एक पिक्चर पेंट करना चाहूँगा आपके सामने, जो कि एक इस्लामिक माशरे की है, जहाँ पे आगाज़ जो है वो आपका एक फैमिली के साथ होता है। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, दोनों ने की जो स्पाउस सिलेक्शन है। अब मैं ये बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें जो अब मतलब आपने लेफ्ट की बात की ना, मैं राइट की बात कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी डन। हस्बैंड और वाइफ स्पाउस सिलेक्शन जो है वो आपने तकवा की बुनियाद पर की। आपने देखा कि अगला बंदा कितना गॉड फियरिंग है, कितना अल्लाह से डरने वाला है। ठीक है, उसका हुसन भी देखा जा सकता है, माल देखा जा सकता है, हजब नसब देखा जा सकता है, लेकिन मेन चीज़ जो आपने देखी है उसका दीन देखा। तो देयर इज हस्बैंड एंड वाइफ हु आर लिविंग इन अ लविंग रिलेशनशिप। सो स्टेबल फैमिली के होने के साथ साथ आप इससे ऑटोमेटिकली अपने आप को वो सब किस्म की होमोसेक्सुअलिटी और पॉर्न एडिक्शन और चीज़ों से निकाल देते हो, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि दोज़ हू कैन अफोर्ड टू गेट मैरिड शुड गेट मैरिड, तो जब इसको इनकरेज किया गया कि आप अपने आप को पहले से इन चीज़ों से बचाएं। फिर जहाँ बुलिंग की बात आती है, तो अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल बुली हो रहा है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसको इस्लाम एक ऐसा मैकेनिज्म देता है कि जहाँ पे वो रीच आउट कर सकता है। यानी सबसे पहले तो वो अल्लाह से रीच आउट करता है कि अल्लाह ये मेरे से ऊपर मुसीबत आई हुई है, तुम इस मुसीबत को दूर फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला इज इन कंट्रोल ऑफ ऑल थिंग्स, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। उसके बाद उसके पास एक पूरा फैमिली का सिस्टम है, एक्सटेंडेड फैमिली है, पप्पो हैं, खाला हैं, चचा हैं, मामू हैं। आपको पता है मेरे पास कितने केस आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं ना मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कहता हूँ डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु यू लुक अप टू, हु टॉक्स टू यू एंड सो ऑन। तो हमेशा तकरीबन पाकिस्तान में तो होता है हाँ मेरी पप्पो बड़ी अच्छी है, या खाला बड़ी अच्छी है, या मामू मेरे जो है ना मेरे साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चचा के साथ अच्छी है, या मेरे दादा जो है बड़ी सुनते हैं। तो इस तरह का कोई ना कोई बंदा निकल आता है जो आपको असिस्ट कर देता है इवन थ्रू योर प्रॉब्लम्स। तो इवन दो योर पेरेंट्स माइट बी बिजी एल्सवेयर, देयर इज अ ह्यूज फैमिली जो कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दे देती है। उसके अलावा आप देखें कि जब ये फैमिली का सिस्टम सारा होगा, तो अगर बच्चा अब्यूज़ भी हो रहा है खुदा ना खास्ता, लेट्स सपोज कि वो अब्यूज़ हो रहा है, तो एक तो चांसेस ऑफ अब्यूज़ कम हो जाते हैं बिकॉज नाउ एवरीबडी इज अराउंड यू। तो कोई बंदा ऐसा नहीं कि बस माँ बाप थे काम पे गए, बच्चे को अब्यूज़ कर दिया, पूरी फैमिली है, यू हैव टू डील विद एवरीबडी। और अगर मामला सामने आ गया तो चले अदालत, तो वो काम करना करे, फैमिली ने चित्रौल कर देनी आपकी। सो ये भी एक फैक्टर है। फिर ये कि हमारा जो हमने बात की कि जो इस्लामिक वर्ल्ड व्यू हमें मिलता है, आखिरत की फिक्र होती है, हमें पता है कि कोई मुश्किल मेरी जिंदगी में नहीं आती सिवाय इसके कि उसमें कोई हिकमत होती है। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, व्हाटएवर डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। वी बिलीव इन दैट, एंड वी बिलीव दैट हमारे पे जो मुश्किल मुसीबत आती है वो हमारे गुनाहों के धुलने का जरिया बनती है। अल्लाह ताला हमें इसका अजर अता फरमाएगा जन्नत में भी। सो ये जो पॉजिटिव चीज़ है ना, और जो होप है, आई थिंक दिस कीप्स अ लॉट ऑफ पीपल अलाइव थ्रू सम ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस एंड वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस। एंड फाइनली हम ये कहते हैं कि जब आपको अच्छे रोल मॉडल्स मिलते हैं, जब आप बचपन से पढ़ रहे हो, यू रीडिंग अबाउट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू रीडिंग अबाउट द सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, एंड यू रीडिंग अबाउट द सहाबियात एंड सच पीपल, तो ऑटोमेटिकली आपके रोल मॉडल्स इतने हाई कैलिबर के लोग हैं, इतने हाई एथिकल मॉरल वैल्यूज के लोग हैं कि हाउ ऑन अर्थ विड यू गो स्ट्रे एंड डू स्टफ लाइक दिस, मैस मर्डरिंग, मैस किलिंग। ये तो हम सबसे रेचेड और ट्रेचरस विलन्स की स्टोरियाँ जो है ना, वो भी ऐसी नहीं पढ़ते हम। तो आप सोचें, और हमारा दीन हमें कहता है कि कहीं पे बुराई हो रही है उस पे पर्दे डाल दो, बुराई को ग्लोरीफाई नहीं करो, बल्कि उसकी पनिशमेंट जो है वो बताओ कि हाँ अगर कोई करेगा उसके साथ ये सलूक होगा। ये है इस्लामी माशरा जो कि आपको एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ देता है, जो कि आज मैं समझता हूँ वेस्ट की मिसाल पता कैसी है। वेस्ट की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो सहरा में फिर रहा है और पानी की तलाश में है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये जो मेरे हाथ में ये चीज़ पड़ी है ना, ये पानी कहते हैं इसको। ही डजंट इवन नो दैट दिस इज वाटर। बट जिस तरह वो बंदा, अगर उसको पानी रख दिया जाए, बंदा सहरा में आज से पहले उसको पानी का नहीं पता था, जब उसके साथ सामने पानी की बॉटल आती है, वो यानी बेसाख्ता तौर पर ना लपक पड़ता है और उसको पीना शुरू कर देता है, बिकॉज ही इज थर्स्टी फॉर समथिंग। आई थिंक द वेस्ट राइट नाउ इज थर्स्टी फॉर इस्लाम लाइक दैट। दे डोंट इवन रियलाइज दैट इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ दैट विल क्वेंच देयर थर्स्ट। They don't even realize that. इसीलिए इस्लाम is the fastest growing religion there. Why? Because उनको जब इस्लाम पता चलता है ना, तो कहते हैं यार this is the solution to our problems. यही तो सोल्यूशन है। सो अल्लाह ताला हमें इतनी अकल समझ दे कि हम इस मैसेज को उन तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकें।